This is Professor Vikas Singh. Today we are starting with direct tax ka importance and how to study direct tax and what to cover and what will be the paper pattern. हम ये सब discuss करने जा रहे हैं guys. आपके लिए मैं video अभी इसलिए बना के रख दे रहा हूँ जो आप लोग exam देने बाद आओ तो आपको समझेगा पढ़ना कैसे. इसे सबसे पहले ये वीडियो अपलोड करके रख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करते रहूँगा. अगर मैं से जितना हो सके उतना बना के अपलोड कर दूँगा मैं जितना हो सके, बट थियरी क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू और एक दो चैप्टर्स के तो पक्के अपलोड कर दूँगा, इतना श्योर है. बट देन ऑल्सो आप लोग के लिए मैं अपलोड करके रख दे रहा हूँ. एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट, एक बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी एंड वॉट टू कवर. नहीं तो हम कुछ भी कवर करते रहते हैं. मैं जो बोल रहा हूँ आप उतना पढ़ लोगे ना, वो डायरेक्शन से आप मेहनत करोगे ना, 100 out of 100 पक्का. लेट्स स्टार्ट गाइस. चलिए बोलो बच्चों. यस, चलिए डायरेक्ट टैक्स का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो हम बात करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट गाइस. हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू कवर. सबसे पहला एक बार ये देख लेते हैं हमको डायरेक्ट टैक्स में कवर क्या क्या करना है. एक तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम करके एक चैप्टर है, वो स्कोप कवर करना है. स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपने तीन कॉलम बनाया रहेगा, रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, ऐसा पढ़ा है कि नहीं वो सब. तो तीन कॉलम कवर करते हैं हम लोग. उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस 182 days है कि नहीं वो सब चेक करने का रहता है, उसके ऊपर एक चैप्टर है. उसके बाद फाइव हेड्स है. फाइव हेड्स में क्या क्या आते हैं बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी आता है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस आता है, सैलरी आता है, अदर सोर्स आता है, गेन आता है, कैपिटल गेन, पांच हेड है. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे थोड़ी देर रुको, मैं आपको मस्त बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे. जस्ट फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है. एक चैप्टर 6 है आपको पढ़ना है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर का रेफर कर लो, मेरा वीडियो देख लेना. थियोरी क्वेश्चन मेरी वीडियो देख लेना, उतना बस हो गया. बस फिलहाल तो आपको इतने सारी चीज़ें कवर करनी है, आपको इतने सारी चीज़ें कवर करनी है. क्लियर हो गया आपको क्या क्या कवर करना है, इधर से लेकर इतना बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ कवर नहीं करना है. अगर इतना हो गया तो आपका काम हो जाएगा. मतलब आपको आप अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो रेसिडेंशियल स्कोप, रेसिडेंशियल थोड़ा सोच सकते हो, नहीं तो टैक्स में कुछ छोड़ने जैसा नहीं है. सब आपको करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सब करना पड़ेगा, क्योंकि नया सर पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया. एक बार से सब क्वेश्चन 20-20 मार्क के आने वाले, राइट. नहीं क्वेश्चन कम हो गया तो यहाँ पे अभी कैसे आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो. चलो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते जो ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले, उसके बाद पेपर पैटर्न में बात करूँगा. अभी पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगा मतलब नहीं, इससे अच्छा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे. चलो चलो चाहिए तो पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ, आपको भी आइडिया आ जाएगा अभी का. देखो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स. पेपर पैटर्न हम देख रहे हैं 100 मार्क का पेपर पैटर्न कैसा होगा. फिलिप्स आएगा, फिलिप्स और मैच द पेयर या मैच द कॉलम. फिलिप्स आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, 10 मार्क का फिलिप्स आएगा, 10 मार्क का ट्रू फॉल्स और मैच द पेयर. बट 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पक्का है, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी 20 मार्क का पक्का है. थियरी क्वेश्चन आएगा, ए और बी और शॉर्ट नोट देंगे, 4 अटेंड करना होगा 6 क्वेश्चन में से. चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे. तो सर क्वेश्चन नंबर 2 पे एक सैलरी क्वेश्चन आएगा 20 मार्क का. हो सकता है उसके सामने हाउस प्रॉपर्टी दे दे आपको, ठीक है. मेरा जहाँ तक अंदाज लग रहा है बिजनेस एक आएगा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में ही ऑप्शन दे देगा आपको प्रोफेशन का, बिजनेस या प्रोफेशन का सम करो. क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम होगा, ठीक है बच्चों. स्कोप ऑफ टोटल इनकम 3-2-1 तीन कॉलम वाला स्कोप ऑफ टोटल इनकम होगा. हो सकता है और करके उसके ऑप्शन में आपको कैपिटल गेन डाल दे, ठीक है, या कुछ ऐसा भी ट्विस्ट कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 स्कोप 10 मार्क का दे देंगे आपको, और रेसिडेंशियल स्टेटस आपको 10 मार्क का दे देंगे, 20 हो गया, और 15 मार्क का आपको कैपिटल गेन पूछ लेंगे और में, सॉरी 20 मार्क का. मतलब थोड़ा ट्विस्ट हो लो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी चेंजेस है तीन चैप्टर्स में ऊपर नीचे हो सकता है. देखो ऑलमोस्ट ये चीज़ें पक्का है, सैलरी आएगा ही आएगा पक्का एग्जाम. हाउस प्रॉपर्टी उसके सामने ऑप्शन दे देगा, बिजनेस दे देगा
और प्रोफेशन आएगा ही आएगा, 100 ऑलमोस्ट ये पक्का लग रहा है मुझे। जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा ना क्वेश्चन नंबर 4 में चेंजेस होगा, जहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, स्कोप ऑफ टोटल इनकम 10 मार्क का देंगे या रेसिडेंशियल स्टेटस 10 मार्क का, 20 हो गया, और करके कैपिटल गेन पूछेंगे या कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी पूछ ले, कैपिटल गेन को ऊपर पूछ ले, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने बोला ना आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हो, ऑलमोस्ट सब चैप्टर करना है। हाँ सर, अदर सोर्स का आपने बताया नहीं, अदर सोर्स और जो डिडक्शन है ना बच्चा, वो है ना इस सब में के अंदर मिक्स होके आता है, उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, सब में मिक्स होके आएगा। आपको समझा बच्चा मैं क्या बोला? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ पेपर पैटर्न कैसा होगा? एक बार मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप देख लो, आपको समझ जाएगा पेपर पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये जहाँ तक मेरा अनुमान है ऐसा कुछ होगा। चलिए अब मैं आपको ये बता दूँ एग्ज़ाम में सम कैसे आ सकते हैं। आप वो टाइप के ही सम पढ़ना, कुछ भी आना तेरा पढ़ते मत बैठना, बिकॉज टैक्स को छुट्टी नहीं है, आपको लिमिटेड टाइम में सब कंप्लीट करना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ सर, बेटर आप ट्राई करो लास्ट 4-5 साल के पेपर कहीं मिल जाए तो वो एक बार अच्छे से सॉल्व कर डालो। 5-6 साल का बुक जैसे कि मनन प्रकाशन का, मैडम ऐनापुरा का जो बुक है उसमें पीछे साइड आप देखोगे ना कंप्यूटेशन, तो यूनिवर्सिटी का ना पेपर अलग से लोग ने सॉल्व करके दिया लास्ट 2013-14 से। तो सर आपको ज़्यादा पुराने पेपर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, रिसेंटली 4-5-6 साल के क्वेश्चन देख लो कैसे हैं, वो टाइप के सॉल्व करके जाना। कुछ ज़्यादा पुराना सॉल्व करके मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर एकदम ईजी आएगा। हमने स्टार्टिंग के 2 पेपर देख लिया, अकाउंट और कॉस्टिंग का, आइडिया आ गया पेपर कैसा आएगा। अगर उनको टफ सेट करना होता तो शायद उधर ट्विस्ट कर सकते थे, बट वहाँ पे इजी सिंपल सेट किया तो आपको भी इजी आएगा। ऊपर से छुट्टी नहीं है बट ऑब्वियसली इजी देंगे वो लोग। यस गाइस, आई होप आपको समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम कैसे कैसे आ सकते हैं एग्ज़ाम में। देखो सर, ये पक्के एक टाइप के सम आते ही आते हैं, 100% एक टाइप का सम आता ही। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ज़रा अच्छे से करके जाना गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आ जाओ, एक ऐसा एक टाइप का सम आएगा हाउस प्रॉपर्टी का, जिसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी दिया रहेगा, अदर सोर्स दिया रहेगा और 2 डिडक्शंस दिए रहेंगे। डिडक्शन कभी भी ऊपर टॉप में परसेंटेज दिया रहता है ना, समझ जाना वो 80U होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए हाउस प्रॉपर्टी का सम कैसे आएगा। हाउस प्रॉपर्टी का सम है, हाउस प्रॉपर्टी का सम कैसे आएगा बच्चों, ऐसा एक तो घर SOPR दिया रहेगा और दूसरा घर LOP दिया रहेगा। SOP और LOP सर नहीं लिखा तो भी हमको समझना चाहिए, नहीं लिखा रहता मान लो SOP LOP, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है घर कौन सा है। रेंट कॉलम चेक करने का, रेंट रिसीव्ड कॉलम किस में, रेंट रिसीव्ड जो नील होगा ना, समझ जाना ही कौन सा घर है, खुद रहने जो खुद रहते हो घर में रेंट आता है क्या, कभी नहीं आता है, जो भाड़े भी दिए वहाँ से रेंट आएगा। यस, क्लियर हो गया बच्चा, ऑलवेज याद रखना जो खुद रहते हैं वहाँ पे रेंट नहीं आता है। तो आपको समझ गया घर, वैसे भी मालूम भी पड़ जाएगा देख के। हाँ तो एक SOP और एक LOP का घर का सम देख लेना, और नीचे अदर सोर्स का आइटम दिया रहेगा। ए टाइप का ही सम 90% एग्ज़ाम में पूछा वो लोग ने, रिपीटिटिव ए टाइप का सम पूछा वो लोग ने मैक्सिमम। तो आपको कुछ आड़े एग्ज़ाम के टाइम आड़े स्टंट ट्राई मत करो, ट्राई टू कवर सिलेबस। ए टाइप के सम अच्छे से देखो बार बार 5-6-7 साल के सम, मतलब 4-5-6 पेपर में सब ये सम देख लो अच्छे तरीके से, ए टाइप का सम आएगा 100% बोल रहा हूँ। कभी कभी वो लोग फॉर्मेट चेंज कर देते हाउस प्रॉपर्टी का सम पूछने का, ऐसे फॉर्मेट में पूछते ऐसे। लास्ट टाइम ए अक्टूबर 2018 का समय वो लोग ने ऐसा पूछा था, पहला घर दे दिया था, ठीक है, सेकेंड घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल दिया था, और ये अदर सोर्स का आइटम सेम है, कॉलम के बदले लोग ने क्या ऐसा थियरी फॉर्म दे दिया। तो क्वेश्चन को शांति से पढ़ना, डरना मत, पैनिक मत हो जाना, क्वेश्चन को देख के पैनिक मत हो जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों ज़रा ध्यान देना, शांति से क्वेश्चन देखना समझेगा। आगे बढ़ते, तो ये रहा हाउस प्रॉपर्टी की बात, पहला एक घर LOP, दूसरा घर SOP, अदर सोर्स, सेम फॉर्मेट का सम आता है, अच्छे से करके जाना। क्लियर हो गया बच्चों? यस, आगे बढ़ते। अब सैलरी आ जाओ। हाँ, सैलरी के ऊपर एक सम पक्का रहता ही है, सैलरी का सम देख के डरना मत, इजी होता है, गिन के 4-5 आइटम ही है ना सैलरी के होते हैं,
5-6 आइटम, और बाकी अदर आइटम है ना अदर सोर्स के होंगे। अदर सोर्स हर सब के साथ चिड़क के आता है, ये पक्का है, ठीक है, आपको समझ गया। 5-6-7 आइटम सैलरी के होंगे। और हाँ, कभी भी याद रखना थोड़ा ये ना सैलरी में ना ये बेसिक सैलरी ज़रा अच्छे से चेक कर लेना, ये नेट तो नहीं दिया है। अगर ये नेट दिया रहता ना तो नीचे कुछ ऐड होगा इसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान देना। चलो फिलहाल ऐसे टाइप के एग्जाम देख लेना, बेसिकली सिंपल सम आता है। अगर उनको थोड़ा ट्विस्ट करना होगा कुछ पेपर में तो लोग ग्रेचुटी विचुटी के ऊपर थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, पेंशन विंशन। ये कौन सा पेपर है, अक्टूबर 2018 का पेपर है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट 4-5 साल के पेपर अच्छे से सॉल्व कर लो, उसमें से ही आएगा पेपर। कुछ ज़्यादा आड़ तरह ज़्यादा रिसर्च करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, 5-6 साल का पेपर सॉल्व कर लो, ऑलमोस्ट वही कवर होगा गाइस। और वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यस, तो ये आपको समझ गया सैलरी के ऊपर कैसा समय। यस, चले आगे बढ़ते गाइस। बिजनेस के ऊपर ऐसा समय आएगा जहाँ पे टी फॉर्मेट में बना के दिया रहेगा, एडिशनल कुछ 3-4 खर्चे दिए रहेंगे, एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। ए साइड एक्सपेंस वाला होगा, ए साइड इनकम वाला होगा। ये इसमें यही होता है बिजनेस का, आपको फॉर्मेट मालूम है, ट्राई करूँगा कौन सा खर्चा अलाओ या जैसे अलाओ कट नॉट अलाओ, मतलब जो नॉट अलाओ कट होते जाएगा, कट अलाओ कट, मतलब ये सब चेक करना है। डेप्रिसिएशन नीचे नहीं दिया तो अलाओ होना चाहिए, मतलब समझा, ऐसे एक टाइप का समय आएगा, कट कट कट। याद है इसका फॉर्मेट आपने देखा रहेगा, नेट प्रॉफिट उसके बाद ऐड, आपने ऐसा फॉर्मेट देखा रहेगा, मैं आपको बता दो, वेट बिजनेस का आपने ऐसा फॉर्मेट देखा रहेगा इस तरीके का, पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बाद में ऐड डेबिट क्रॉस, बाद में लेस क्रेडिट क्रॉस, बाद में फिर से लेस एडजस्टमेंट का एक्सपेंस, बाद में ऐड एडजस्टमेंट का, ऐड लेस लेस ऐड एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस इनकम, अल्लाह ऐसे याद रखना, ALLA अल्लाह, ठीक है। छोड़ो, आपको जब देखता हूँ मैं, टाइम मिल गया तो मैं आपको कुछ बता दूंगा। तो एक बार बिजनेस के सम देख लेना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कभी भी सम में ना टैक्स में ना कोई भी सम में ना बचा परसेंटेज साइन दिया रहेगा ना, समझ जाना वो ATE होगा या ATTD होगा, वेरी क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। ए प्रोफेशन का समय कैसे मालूम पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखा रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखा रहता है, देख के समझ जाएगा प्रोफेशन का सम है। बच्चों को डाउट आता है सर कैसे मालूम पड़ेगा, ऐसा रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखा रहेगा, देख के समझ जाना है प्रोफेशन का सम है, वेरी क्लियर है गाइस, सबको समझा। यस, तो प्रोफेशन का सम का फॉर्मेट ही अलग है, उसका कुछ अलग ही फॉर्मेट है, अलाउएबल इनकम अलाउएबल खर्चा, बस उतना ही है। चलो टाइम मिला तो बता दूंगा आपको। ये टाइप का सम देखना, ये अक्टूबर कौन सा पेपर है, अक्टूबर 18 का पेपर है, वेरी क्लियर है। यस यस यस, आगे बढ़ते हैं। चलो प्रोफेशन का सेम टाइप का समय मैं बैट लगा था सर, ये 2 सम अच्छे से देख लो प्रोफेशन का, एक ए वाला, ए जो मैं बोला ए वाला और एक ए वाला, ये दोनों सम अच्छे से देख लो, दोनों में से क्लिक होना ही होना है और यही टाइप का समय आएगा, मैं बैट लगाता हूँ, अच्छे से करके चले जाना। देखो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बोला रहेगा, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर बोला रहेगा, डॉक्टर डॉक्टर लॉयर लिखा रहेगा, समझ जाना प्रोफेशन का समय, क्लियर है। आगे हाँ, एकदम सिंपल होता है चैप्टर, एक क्वेश्चन है, 3 कॉलम बनता है, यहाँ पे 3 कॉलम बनता है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। एक क्वेश्चन पढ़ने का 3 कॉलम में आएगा, कभी 2 आता है कभी 1 आता है, बस यही रहता है। 20 मार्क का सम पक्का आएगा, एक बार 10 हो सकता है, 10 या 20, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो लोग, क्लियर है गाइस, इंपॉर्टेंट सम है आपको। और लोग पूछेंगे रेसिडेंट रेसिडेंट ऑर्डी नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट, ये टाइप का एग्जाम देख लेना। और ए टाइप के सम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है, लास्ट ईयर ही किया था, आप लास्ट ईयर की वीडियो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम थोड़ा अक्टूबर लास्ट टाइम थोड़ा पेपर टफ सम आ गया था, ए टाइप के सम थोड़े टफ होते रेसिडेंशियल स्टेटस में, मोस्टली ए टाइप के सम आते, ऐसे सम दे रहेंगे आपको।
ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे टाइप के सम आ गए ना, डिपार्चर अराइवल ऊपर से इंडिया का मतलब थोड़ा डिफिकल्टीज करता है, तो यहाँ पे आपको सावधानी भड़कनी पड़ेगी गाइस। हाँ, अब आ जाते हैं हम कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में कैसे समाएंगे बच्चों? देखो कैपिटल गेन में ना एक ही टाइप का संबंध है, खाली वो लोग ना एंट्री को एक्सटेंड कर देते, बस एक ही टाइप का संबंध बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंट्री एक्सटेंड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान देना अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एंट्री एक्सटेंड करेंगे और कुछ नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन में ना पहले तो वो लोग ने परचेस का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वो हाउस प्रॉपर्टी कभी परचेस किया हो सब, बाद में बोला रहेगा परचेस करने के बाद इम्प्रूवमेंट कभी किया। हाँ, उनको क्वेश्चन में थोड़ा एक्सटेंड बड़ा बनाना है तो इम्प्रूवमेंट के ऊपर चार पांच एंट्री दे देंगे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के ऊपर चार पांच एंट्री दे देंगे। हाँ, अगर सम तो थोड़ा उनको बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, पीछे साइड वो लोग है ना दो तीन आइटम दे देंगे, जैसे लास्ट टाइम वो लोग ने न्यू हाउस का भी दिया था 54 का भी डिडक्शन दिया था, और रूलर इलेक्ट्रिस 54 ईसी का भी डिडक्शन दे दिया था, तो ये दो टाइप का डिडक्शन मतलब ये टाइप का सम देख लेना, कुछ नहीं। सबसे आसान अगर कोई मेरे से पूछे ना स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बाद सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, ए वाला चैप्टर है, सबसे आसान है, करके जाना, छोड़ना मत, इसमें परचेस आएगा, राइट ना गाइस, वेरी क्लियर है। बाद में आपको वो बोला रहेगा जो इम्प्रूवमेंट हमने कभी किया, बाद में ये डिटेल होगा, एकदम आसान होता है, कुछ नहीं, ए टाइप के सम देख के जाना, लास्ट तीन चार साल के पेपर के सम सॉल्व कर लो, बस हो गया, ज़्यादा कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, जो बोर्ड में आए उतने देख लो, बस हो गया, वेरी क्लियर है। तो गाइस मैंने आपको एटलीस्ट ये बता दिया जे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, किस तरीके के, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है दूसरा अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, चार साल के पेपर देख लो, चार साल के पेपर सॉल्व कर लोगे ऑलमोस्ट एग्जाम में। हाँ देखो एक आध सम इधर उधर टफ बनाएंगे बट मैक्सिमम इजी होगा, तो ज़्यादा स्टंट ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स का स्कोप काफ़ी बड़ा होता है, टफ अगर बनाने तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने लेवल पे इतना टफ नहीं बनाएंगे लोग, और ज़्यादा पुराना पेपर सॉल्व करके मतलब नहीं है, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट है मैंने जितना क्लास में कराया आपको मोर देने ना, फिर उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है, जो मेरी बुक है अब वो बुक से जितना हमने किया है उससे ज़्यादा कुछ भी मत करना, बस मोर देन इनफ, क्लियर है गाइस, आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है गाइस। मैं ट्राई करूँगा चैप्टर वाइज कुछ बनते हो गया, मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा बहुत लास्ट ईयर का थियरी और स्कोप ऑफ टोटल इनकम रेसिडेंशियल और लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया था, तो आप सेम वीडियो देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है, खाली रेसिडेंशियल स्टेटस में अपना प्रीवियस ईयर क्या है 18-19 है, बस वहाँ पे 17-18 होगा, बस यही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, मतलब पूरा सेम सम सम सॉल्व सेम होगा, खाली प्रीवियस ईयर 18-19 बोलना बस, नहीं तो लास्ट ईयर की तीनों चारों वीडियो भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को जैसे मिलेगा मैं नया थियरी क्वेश्चन अपलोड करूँगा थोड़ी देरों में, ठीक है सर, रात तक, तो थियरी क्वेश्चन कुछ आप और टाइम मिल गया तो मैं क्वेश्चन मिशन भी एक दो चैप्टर के बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से जितना हो सकेगा मैं कर देता हूँ। या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।